Hi viewers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Film on YouTube channel. So guys, what's up? आज हम बात कर रहे हैं मार्स यानी मंगल. अगर कुंडली के 10th भाव में आता है यानी 10th हाउस में आता है तब क्या होता है. 10th हाउस का संबंध हमारे कर्म से है. जो भी हम कर्म करते हैं वो 10th हाउस है. 10th हाउस हमारा फेम है. 10th हाउस हमारा वर्क एनवायरनमेंट है. 10th हाउस हमारे फादर की सेविंग है. 10th हाउस हमारी ड्यूटी है. 10th हाउस हमारा स्टेटस है. और जो भी हम गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, लाइक जैसे आप किसी ऐसे अथॉरिटेटिव पोजीशन में हैं जहां पर आप चीज़ों को रूल करते हैं, या आप किसी कंपनी के MD हैं, CEO हैं, या कोई भी ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहां जिस चीज़ को आप मैनेज करते हो, वो 10th हाउस है. मार्स एक एनर्जी है. मार्स इंजीनियर है, मार्स फाइटर है, मार्स गोले चेवर है, मार्स सोल्जर है. मार्स हमारे अंदर की एक फोर्स है और मार्स बहुत इंडिविजुअल है. मार्स चीज़ों को इंडिविजुअली करना पसंद करता है और अपने लिए करना पसंद करता है. तो मार्स जब कुंडली के 10th हाउस में आता है, यानी मंगल जो कुंडली के 10th भाव में आता है, तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे अपने काम को लेके. आप अपनी सारी एनर्जी को आप अपने काम के अंदर इनपुट करेंगे. आप अपने वर्क के थ्रू, आप अपने एनर्जी के थ्रू, अपने हार्डवर्क के थ्रू अपने गोल को अचीव करेंगे. क्योंकि मार्स एक एनर्जी है और मार्स अगर 10th हाउस में आता है तो 10th हाउस में मार्स कहीं ना कहीं पावर को गेन करता है. मार्स यहाँ दिग्बली माना जाता है. दिग्बल को मार्स यहाँ प्राप्त करता है क्योंकि कैप्रिकॉर्न का घर है. 10th हाउस जो है वो कैप्रिकॉन का घर है. तो कैप्रिकॉन में अगर मार्स आता है तो मार्स अपने एक्जल्टेशन में होता है, यानी उच्च भाव में होता है. तो मार्स अगर आपके 10th हाउस में है तो हो सकता है आप किसी बड़ी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हों, CEO हों, या गवर्नमेंट में कोई ऐसी बड़ी पोस्ट में हों आप. जैसे पॉलिटिकल बहुत सारी पोस्ट होती है, लाइक जैसे आपका आप CM हो सकते हैं, आप PM हो सकते हैं, आप जनरल हो सकते हैं. कोई भी बड़ी जो अथॉरिटेटिव जो पोस्ट होती है, मार्स यहाँ पर आपको वो चीज़ देता है. और मार्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है. मार्स यहाँ तो यहाँ पर ना तो खुद आराम करता है ना दूसरों को आराम करने देता, क्योंकि मार्स का काम है एक्शन लेना और चीजों को कॉन्कर करना, जीतना. तो मार्स यहां पर एक फाइटर किस्म का होता है और जीवन की जितनी भी जो परेशानियां होती हैं, जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं, मार्स उन चीजों को हैंडल करता है अपनी एनर्जी के थ्रू. फिर मार्स यहां से देखता है अपने फोर्थ एस्पेक्ट से एसेंडेंट को, यानी फर्स्ट हाउस को. फर्स्ट हाउस जो है वो आपकी वाइटल एनर्जी है, यानी जो आपकी बॉडी की जो एनर्जी होती है वो फर्स्ट हाउस है. जैसे आप रिएक्ट करते हैं, जैसे आप बात करते हैं, जो भी आपका ऑरा है या जो भी आप पब्लिक को दिखते हो, पब्लिक का फर्स्ट हाउस है. तो मार्स जब फर्स्ट हाउस को देखता है तो आपके अंदर एक वाइटल एनर्जी को भर देता है. तो आप एक एथलीट की तरह काम करोगे, आप एक वॉरियर की तरह काम करोगे.
और मार्स का संबंध है इंडिविजुअल चीजों से, यानी मार्स अगर आपकी फर्स्ट हाउस को देखता है तो आप चाहेंगे कि आप किसी भी दौड़ में किसी भी रेस में सबसे आगे निकलें। आप जो भी एनर्जी इनपुट करना चाहेंगे वो अपने लिए करेंगे, अपने फायदे के लिए करेंगे, अपने आप को गेन देने के लिए करेंगे। तो हो सकता है आप बहुत अच्छे एथलीट हो सकता है बहुत अच्छे जिमर हो सकता है आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हो, ये सारी क्वालिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो। फिर मार्स यहाँ से देखता है अपने सेवेंथ एस्पेक्ट से कुंडली के फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस संबंध मदर से है, होम से है, होमलैंड से है, हमारे जितने भी जो कंट्री के जो रिचुअल्स होते हैं, हमारे जितने भी लोकल जो रिचुअल्स होते हैं उनका संबंध फोर्थ हाउस से है। फोर्थ हाउस का संबंध लैंड से है, फोर्थ हाउस से संबंध आपकी जो भी आपके पास व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनसे है फोर्थ हाउस का संबंध। दूसरा फोर्थ हाउस आपका होमली इन्वायरमेंट है। तो मार्स अगर फोर्थ हाउस को देखता है तो अर्ली एज में मार्स अपने शेल्टर के लिए यहाँ पर फाइट करता है। तो हो सकता है कि जो अर्ली एज आपकी हो वो आपको एक अच्छा फाउंडेशन ना मिले, या हो सकता है कि आपके पास अपना घर ना हो, या हो सकता है कि आपके पास आपकी मदर ना हो, या मदर हो तो उनके साथ बहुत झगड़े हों, फैमिली मेंबर के साथ बहुत झगड़े हों, क्योंकि मार्स यहाँ पर फोर्थ हाउस की चीज़ों को पाने के लिए झगड़ा भी करता है कई बार अपने पेरेंट्स के साथ। तो फोर्थ हाउस को जब मार्स देखता है तो कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए, आप अपने आप को सुख देने के लिए हो सकता है अपने फैमिली मेंबर से झगड़ा कर लो, अपनी मदर से झगड़ा कर लो, या अपने शेल्टर को बनाने के लिए हो सकता है आप होमलैंड के लोगों से झगड़ा कर लो। तो मार्स यहाँ पर बहुत ही फोर्सेबली इन चीज़ों को अचीव करना चाहता है, फोर्थ हाउस से बनी चीज़ों को। फिर मार्स देखता है अपने एट्थ एस्पेक्ट से कुंडली के फिफ्थ हाउस को। फिफ्थ हाउस का संबंध है रोमांस से, फिफ्थ हाउस का संबंध है चिल्ड्रन से, फिफ्थ हाउस का संबंध है क्रिएटिविटी से, फिफ्थ हाउस का संबंध है आपके स्टेज परफॉर्मेंस से, एक्टिंग से, स्पोर्ट्स से। तो मार्स जब कुंडली के फिफ्थ हाउस को देखता है तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हो, और हो सकता है कि आप बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हो, और जो भी पॉलिटिकल जो चीज़ें होती हैं, जो भी स्टेज परफॉर्मेंस होता है उसमें हो सकता है कि आप बहुत एक्टिव हो, एक्टिवली आप काम करेंगे। अगर फिफ्थ हाउस में सन और जुपिटर अगर है और मार्स अगर फिफ्थ हाउस को दिखता है तो हो सकता है कि आप किसी स्पोर्ट्स में कोई गुरु हो, ठीक है, जो लोगों को स्पोर्ट्स सिखाता हो, जो लोगों को गेम्स वगैरह सिखाता हो, तो आप टीचर हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं। तो मार्स अगर टेंथ हाउस में आता है तो इंसान को बहुत एनर्जेटिक बनाता है, तो इंसान अपनी एनर्जी को इनपुट करता है अपने आप को फेम देने के लिए, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और यहाँ पर मार्स बहुत बड़ी हायर अथॉरिटी को गेन करता है और एक बहुत बड़े स्टेज को इंसान रूल करता है और एक बहुत बड़ी ड्यूटी को इंसान निभाता है, बहुत बड़ी ड्यूटी को अचीव करता है और उसके थ्रू अपने आप को फेम देता है। तो दोस्तों आज हमने बात की मार्स के बारे में, आगे हम बात करेंगे कि मार्स कुंडली के 11th हाउस में क्या करता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपका मार्स आपके बर्थ चार्ट में क्या करेगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें तो आप हमारे वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।